हे फ्रेंड्स, तो एजुकेशन लेसन्स आपके लिए फिर से एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कंटिन्यू वीडियो लेके आ गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि हम रोटेशन ऑपरेटर्स पे जाने वाले हैं आगे, तो आ गए हैं आज हम रोटेशन ऑपरेटर्स के ऊपर। और मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियोज़ में कि हम उसे डिराइव भी करेंगे, दैट इज़ उसका जो फॉर्मूला है वो जिसने पढ़ा है उसे पता ही है, बहुत डिफ़िकल्ट है याद रखने के लिए। लेकिन आज हम EL के ऊपर आपको पूरा उसका डेरिवेशन दिखाएंगे, जिससे कि आपको उसका पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो पहले सिर्फ हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या रहेगा आज के वीडियो के अंदर। तो पहले हम देखेंगे इन कार्टेशियन प्लेन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ r² to r², उसके बाद हम r³ to r³ पे भी देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि रोटेशन ऑपरेटर क्या रहते हैं। तो वो ऐसे ऑपरेटर रहते हैं जो किसी भी वेक्टर को सम फिक्स्ड एंगल के ऊपर रोटेट कर दे। दैट इज़, अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है और उस पे से हम एक वेक्टर बना लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये आ गया वेक्टर, और ये कोई पॉइंट है हमारा P x, y। ऐसे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, या तो फिर x, y, आप जो लेना चाहे वो। अब अगर मुझे इसको रोटेट करना है और बाद में जाना है मुझे एट सम एंगल, सो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आर्क बन रहा है यहाँ पे, और ये हमारा नया वेक्टर यहाँ पे आ गया। और ये जो एंगल था ये वाला, वो हमारा होगा सम फिक्स्ड एंगल थीटा। तो एक ऐसा ऑपरेटर हमें चाहिए जो ये इस वेक्टर को थीटा जितना रोटेट कर दे, और हमें ये जो नया पॉइंट है वो मिल जाएंगे। दैट इज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई इक्वेशंस w1 एंड w2। तो इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम सीखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो ये इसका जो आंसर रहता है, इसका मतलब कि इसका जो इक्वेशन रहता है वो बहुत ट्रिकी है। तो उसे समझने के लिए हम पहले थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे फ्रॉम दी बेसिक्स। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, फिर से हम इसके ऊपर आ जाएंगे और लास्ट में हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे। वो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है xy, और उसके अंदर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है px, y। अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा इमेजिन करेंगे इन सम अदर पॉइंट्स, जिससे कि आपको और भी आइडिया आ जाए रोटेशन का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रोटेशन के लिए पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। हमने अभी ऐसा एक पार्ट ड्रॉ किया था, उसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पूरा ऐसे सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सर्कल बनाने का रीज़न क्या है कि आपको पता चले कि इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो दैट विल बी माई रेडियस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ नथिंग बट रेडियस r। तो मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है उसे इन सम अदर टर्म्स लिखना है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ r और ये जो एंगल है इसके टर्म्स में। तो मैं कहूँगा कि ये जो मेरा एंगल है वो सम एंगल है अल्फा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये x और y को आर और अल्फा के टर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट ले लेता हूँ। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू रहेगा, ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा, ये 90 डिग्री, और ये एक ट्रायंगल बन गया, ये हमारा 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो मुझे पता है वो कितना होगा x, दैट इज दिस पॉइंट x, और ये जो वैल्यू है वो कितना होगा y। तो अगर मुझे सॉल्व करना है, यहाँ से मैं लेता हूँ o, दैट इज p, दिस इज a एंड दिस इज b। तो अब मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल के लिए पहले तो फाइंड करूँगा। तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल POA, वॉट आई हैव, कि मेरे पास ये एक एंगल है, ये एक साइड है और ये भी एक साइड है। तो मैं इसमें से क्या डिफाइन कर लूँगा, एक एक्स का आर के साथ और अल्फा के साथ का रिलेशन। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि ये एंगल की
एडजेसेंट साइड है, तो आई विल गो फॉर कॉस ऑफ अल्फा. सो कॉस ऑफ अल्फा विल बी नथिंग बट एडजेसेंट साइड, दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेनियस विल बी आर. सो देयरफॉर आई कैन से दैट एक्स इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू कॉस अल्फा. तो मुझे एक्स का एक नया आंसर मिला है इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा. इसी तरह से अगर मैं इन ट्राइंगल पी ओ बी में चला जाऊं, तो मुझे फिर से क्या करना होगा, मेरे पास ये एंगल नहीं है, ये मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 रहता है, तो दैट विल बी नथिंग बट 90 माइनस अल्फा. मैंने लिख दिया यहाँ पे 90 माइनस अल्फा. तो अब ये 90 माइनस अल्फा की मेरे पास एडजेसेंट साइड पे वाई है और हाइपोटेनियस पे आर है, तो मैं फिर से क्या लूंगा कॉस, तो दैट इज कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू मेरा एडजेसेंट वाई अपॉन आर. नाउ कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज नथिंग बट साइन अल्फा, सो दैट इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर. सो देयरफॉर वाई विल बी नथिंग बट आर इंटू साइन अल्फा. तो मुझे ये टर्म्स मिल गई है, एक्स और वाई का मुझे नया आंसर मिल गया है, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई की जगह पे भी मैं लिख सकता हूँ इट इज नथिंग बट पी ऑफ आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा, राइट. तो इससे तो क्या हुआ कि मैंने पहले तो कन्वर्जन कर लिया इसके साथ, बट हमें तो कोई पॉइंट लाना है जो इस वेक्टर को रोटेट किए हो, तो वो कैसे लाएंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक वेक्टर बना लेते हैं जो एक्चुअल में रोटेट हुआ होगा. तो मेरा पाथ तो यही रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक नया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं रेड कलर का जो वेक्टर है वो, और ये पॉइंट रहा होगा. तो वैसे हमने यहाँ पर सीखा था दैट इज सम पॉइंट क्यू. अब यही मुझे फाइंड करना है कि उसका ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा. बट मेरे पास गिवन क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड क्या किया था, एक्स एंड वाई एंड थीटा. मेरे पास इनपुट इतना ही है, तो आउटपुट भी इसके बेस पे होना चाहिए, तो मुझे ये एंगल भी चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा एंगल बना है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ थीटा, तो वो थीटा आ गया. और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और एंगल बना है, दैट इज दिस अल्फा थीटा, और ये पूरा एंगल जो हमारा है, तो वो एंगल भी एक हमारा एंगल है, तो उसके बेस पे हम करेंगे. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये जो पूरा एंगल है, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ कि ये जो पूरा एंगल है वो है सम बीटा, ठीक है. अब हमने ये जैसे इसके लिए फाइंड किया, तो हम डायरेक्टली क्यू के लिए भी ये सम टर्म लिख सकते हैं, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ये जो क्यू वेक्टर है वो यहाँ से बीटा जितने डिग्रीज पे है, तो इसका ये जो दो वैल्यूज है वो हम पहले एज्यूम कर सकते हैं, कौन सा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन. तो उसका एक्स क्या रहा होगा, आर तो आर ही आएगा, सो आई कैन राइट आर इंटू दिस टाइम कॉस अल्फा था, उसकी जगह पे आ जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा आ गया. और वाई की जगह पे आएगा आर साइन अल्फा था, उसकी जगह पे आ जाएगा बीटा. लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, मेरे पास बीटा तो एंगल ही नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मेरे पास तो थीटा है. तो हमें क्या करना होगा, बीटा को कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम सीखते हैं. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ सॉल्विंग फॉर आर कॉस बीटा. सो आर कॉस बीटा आप देख सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री, बीटा इज नथिंग बट समीशन ऑफ अल्फा प्लस थीटा. तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ठीक है. अब मुझे पता है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला रहता है, तो मैं यहाँ पे वो पुट करता हूँ, दैट इज आर इंटू कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा. तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आर कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा. तो
अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर गिवन वैल्यूज थी उसका कुछ टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज आप ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आर कॉस अल्फा इज नथिंग बट एक्स, सो आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा लाइक दिस, एंड दिस वन इज नथिंग बट वाई साइन थीटा। सो हमारा आर कॉस बीटा जो था वो पूरा कन्वर्ट हो गया है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा के अंदर। वैसे ही आप अगर सॉल्व करें आर साइन बीटा को तो आपको क्या मिलेगा, सेम करना है लेकिन इस बार बीटा इज नथिंग बट दिस वन। इस बार आपको साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, तो साइन ऑफ ए प्लस बी रहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो दैट इज इक्वल्स टू, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली ये मिल जाएगा आर कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल्स टू अगेन व्हाट इज आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा इज वाई, सो आई कैन राइट वाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आर कॉस अल्फा इज एक्स, आई विल राइट एक्स साइन थीटा। इसका वैल्यू फिर से हमने रख लिया तो हमें फिर से इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा मिल गया। तो हमें जो यहाँ पे समझना था दैट इज कि हमारे पास इनपुट है एक्स वाई और थीटा, तो ये टर्म्स भी आनी चाहिए एक्स वाई और थीटा के टर्म्स में। तो आप देख सकते हैं विद दिस डेरिवेशन आप कह सकते हैं कि येस इसका वैल्यू मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट क्यू ऑफ, थोड़ा बड़ा रहेगा वैल्यू, दिस वैल्यू दैट इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कॉमा, दूसरा कौन सा वैल्यू है हमारा ये वाला दैट इज नथिंग बट एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा। तो वही सेम हम वहां पे अब लिख सकते हैं डायरेक्टली कि क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी चाहिए होगा कि हम उसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। और ये शॉर्टकट आपको आगे कैसे काम लगेगा, तो जब हम उसका 3D में करेंगे दैट इज आर क्यूब में करेंगे तब आपको ये शॉर्टकट आना चाहिए, तो ही आप उसे सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इजीली उसका इक्वेशन और मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इतनी जगह छोड़ रहा हूँ, डिफाइन भी कर लेंगे, लेकिन अभी अभी हमने इक्वेशन किया है तो पहले इक्वेशन ही देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशंस, सो इक्वेशन में हमारे पास W1 और W2 दो होने चाहिए, तो यस वी हैव टू इक्वेशंस। अब उसे याद कैसे रखना है वो सीख लेते हैं, पहले तो लिख दीजिए कार्टेशियन में है मतलब दो ही रहेंगे एक्स वाई, तो आप लिख लीजिए एक्स वाई। फिर हमने देखा था कि उसका पहला जो वैल्यू रहता है वो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे लिखिए नेगेटिव, ये विल बी पॉजिटिव। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में हमने अभी क्या देखा, साइन और कॉस था, और जो उसका सीक्वेंस रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर वो कैसा रहता है, साइन कॉस टेन कॉट, तो पहले साइन ही आता है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है मतलब कि उल्टा जाओ, उल्टा जाओ तो क्या आएगा कॉस थीटा, और बाद में लिख दीजिए साइन थीटा, पॉजिटिव है तो सीधा जाओ तो साइन थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे एक बार एक्स के साथ कॉस, एक बार एक्स के साथ साइन, वाई के साथ साइन, वाई के साथ कॉस, तो ये ही होगी आपकी वैल्यूज। आप उसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये सेम हम करेंगे किसके अंदर, हमारे 3D के अंदर। तो इसके बाद उसका मैट्रिक्स देख लेते हैं, मैट्रिक्स तो अब आपको आता ही है, तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम उसका, तो उसका मैट्रिक्स रहेगा स्टैंडर्ड वाला, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा, यहाँ पे है माइनस वाई सॉरी माइनस साइन थीटा, फिर नीचे है साइन थीटा और यहाँ पे है प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया उसका मैट्रिक्स नोटेशन। उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, तो रोटेशन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर है जो किसी भी वेक्टर को सम फिक्स्ड एंगल के ऊपर रोटेट कर दे, सो मैं उसके लिख सकता हूँ एन ऑपरेटर, मैं यहाँ पे अभी जो बोला हूँ जो समझा हूँ वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो किसी भी सब्जेक्ट का तो इजिली क्लियर हो जाएगा। एन ऑपरेटर डेट
रोटेट्स ईच वेक्टर इन, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इन आर स्क्वायर, क्योंकि हमने कार्टेशियन तक किया है, सो आई राइट रोटेट ईच वेक्टर इन आर स्क्वायर थ्रू ए फिक्स्ड एंगल, यहाँ पे एंगल क्या था हमारा थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3D स्पेस के अंदर कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर क्यूब तक हो तो हम कैसे करेंगे। तो सेम ही रहेगा अभी हमने जैसे सीखा है कार्टेशियन के अंदर, कि वो भी एक ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे जो क्या करेगा कि ईच वेक्टर को किसके अंदर घुमाएगा, इन आर क्यूब अबाउट सम रोटेशन एक्सिस। अब यहाँ पे हमें जो मार्क करना चाहिए तो वो ये पॉइंट है, रोटेशन एक्सिस दी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3D स्पेस ड्रॉ किया है, तो ये जो 3D स्पेस है उसके अंदर मैं कभी क्या करूँगा, पहले इसके अंदर वेक्टर लूँगा और फिर इसके एक्सिस के बेस पे हम उसको रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अबाउट सम रोटेशन एक्सिस थ्रू अ फिक्स्ड एंगल थीटा, वो हमें पता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑपरेटर इन आर क्यूब। सो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे तीन केस ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा और ये थर्ड रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आए इसके लिए मैंने क्या किया है, जिसका जिसका केस रहेगा वो जो एक्सिस का लाइन रहता है उसको मैंने थोड़ा लंबा ड्रॉ किया है, मतलब कि यहाँ पे हम रोटेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहाँ पे रोटेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और फिर यहाँ पे रोटेट करेंगे विथ जेड। उसी के साथ हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि इसके लिए हम जो भी रोटेशन यूज कर रहे हैं वो कौन सा रोटेशन रहेगा, तो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी भी बात करेंगे वो सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इनको समझ लेते हैं, बाद में उसके इक्वेशन लिखेंगे और जिसने इसे पढ़ा है उसे पता है कि इसका इक्वेशन बहुत लंबा रहता है और वो याद रखने के लिए भी बहुत हार्ड है, लेकिन हम आपको ईएल के अंदर उससे इजीली कैसे याद रखना है वो सिखा देंगे। तो ये वीडियो को देखिए आगे और सीखिए कैसे करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट केस, हम रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर लेता हूँ, तो ये होगा हमारा वेक्टर एक। अब हमें क्या करना है, इसे मैं ले लेता हूँ दैट इज वेक्टर एक्स। अब इसे हम क्या करेंगे, हम इसे रोटेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, मतलब कि मुझे क्या करना है, अगर ये मेरा एक्सिस है, ये वाला पूरा हम पेन को एक्सिस ले लेते हैं, तो अगर ये मेरा पेन एक्सिस है और ये मेरा कोई वेक्टर है तो मैं उसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या होगा, तो इसे मैं रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज हम यूज करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले उसका पार्ट ट्रेस कर लेता हूँ दैट विल दिस वन, और फिर यहाँ पे उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो पूरा पाथ बना है ये उसका रोटेशन दिखाता है, और ये जो एंगल बनता है वो एंगल आपका कौन सा रहेगा, दैट विल बी योर थीटा एंगल इसके अंदर। तो अब अगर मुझे उसे मार्क करना है इसके ऊपर तो वो कुछ ऐसा रहेगा, आप देख सकते हैं, अब आपको रोटेशन दिख रहा होगा कि ये इधर से ऐसे रोटेट हुआ और ये नया हमारा W जो हमारा वेक्टर रहता है वो आ गया है। तो ये हो गया x का रोटेशन, और वैसे ही हम देख लेते हैं अबाउट y एक्सिस, तो रोटेशन अबाउट y एक्सिस करना है, फिर से सेम करना है, रोटेशन कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये एक्सिस से होगा तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से फिर से एक वेक्टर ले लेता हूँ x और उसे रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं अगर आप यहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाला हो जाएगा, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो पूरा बना है वो एंगल कितना रहा होगा, थीटा। तो इससे आप रोटेशन को समझ सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर आप देखना चाहे तो हम करेंगे लास्ट दैट इज अबाउट जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस में कैसे होगा, तो फिर से सेम करना है, तो इस बार मैं कहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करूंगा, एक बार यह किया अब यहाँ पे कर देता हूं, तो ये हमारा वेक्टर आ गया x। अब मुझे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे मैं ऐसे उसको एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करूंगा, तो ये जो नया वेक्टर आएगा वो मेरा W वेक्टर रहेगा, और उसे मुझे
ट्रेस करना हो तो वो कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे ये जो बना है दैट इज योर एंगल थीटा। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, बिकॉज अगर आप सोचिए कि ऐसा कोई मैं एंगल पे एक वेक्टर लूँ और उसे मैं अगर एक एक्सिस से रोटेट करूंगा तो वो कुछ नहीं बनेगा, दैट विल बी नथिंग बट योर कोन। यहाँ पे ऐसे कोन बन रहा है, तो ये मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो मैं उसे ऐसे मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वो कट हो रहा है, तो वो कुछ ऐसे दिख रहा है अभी हमें। आप समझ सकते हैं ये कुछ ऐसा था और ये हमें ये इतना पाथ मिला है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने सबको स्केच कर लिया और डायग्राम में तो समझ लिया है, लेकिन अब उसका इक्वेशन क्या रहेगा और मैट्रिक्स नोटेशन कैसे होगा वो भी सीखना होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से एक्स एक्सिस के लिए। और आगे जब हमने बात की थी तो हमें कार्टेशियन के अंदर कुछ ऐसा इक्वेशन मिला था, तो अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है ट्रिक कि हम कैसे याद रख सकते हैं कोई बहुत ही बड़ा इक्वेशन। जैसे कि मुझे अगर इसके लिए लिखना हो तो मैं यहाँ पे अभी लिख भी सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ट्रिक, लेकिन आपको कैसे सीखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, एक सीरीज याद रखना है, दैट इज एक्स के बाद आता है वाई के बाद आता है जेड। कुछ भी हो जाए ये सीरीज को नहीं भूलना है, एक्स के बाद वाई लो, वाई के बाद जेड लो और जेड के बाद फिर से क्या ले लो, एक्स। अब ऐसा क्यों है, ये क्यों बोल रहा हूं मैं वो आपको समझाता हूँ। तो हमें पता है कि हमारा ये जो आगे का कार्टेशियन था तो वहां पे हमें दो इक्वेशन मिल रहे थे W1 W2, लेकिन इस बार हमें क्या मिलेगा, हमें इस बार मिलेगा W1 W2 एंड W3। अब हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए कैसे याद रखेंगे, एक्स वाई जेड, मतलब कि अगर एक्स के साथ हो तो इसको ही इधर डालो, फिर वाई हो तो इसको इधर डालो और जेड हो तो उसको इधर डालो। अब पहला इक्वेशन हमें बनाना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो जब भी रोटेशन जिस एक्सिस से हुआ है उसके कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है बिकॉज वो तो वहीं पे था, लेकिन इन लोग के प्लेन में जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से हमें इसके कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये याद रख लीजिए कि जो भी एक्सिस के अबाउट हमने घुमाया है वो एक्सिस को आप कंसिडर मत कीजिए, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस से है तो ये W1 का कंपोनेंट क्या रहा होगा, एक्स, दैट इज सेम। लेकिन अब कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, इसके लिए हम सिंपल कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको सिखाया एक्स के बाद वाई के बाद जेड, तो एक्स के बाद क्या आता है भाई, वाई और जेड, वाई और जेड ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो कैसा था, माइनस प्लस, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी सेम करेंगे माइनस प्लस। अब वो भी याद नहीं रहा है तो क्या करना है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं उसका भी सीरीज कैसा है कि भाई पहले आता है साइन थीटा, बाद में आता है कॉस थीटा, बाद में आता है टेन थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा कोई काम नहीं है लेकिन साइन के बाद कॉस आता है, ऐसा याद रखिए। तो यहाँ पे पहले क्या आ गया है, वाई जेड, वाई जेड, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कॉस, यहाँ पे लिखना पड़ता है साइन, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये उल्टा आ गया, इसलिए इधर मैंने रख दिया माइनस। और यहाँ पे पहले क्या आता है भाई, साइन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया उसका इक्वेशन रेडी। अब चेक कर सकते हैं यही इक्वेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसके लिए, अब एक ट्राई कर लेते हैं W1 W2 एंड W3। चलिए पहले एक्सिस ढूंढिए कौन सा है, दैट इज अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस है तो ये वाई, तो वाई एज इट इज। वाई के बाद क्या आता है भाई, वाई के बाद आता है जेड एक्स, तो यहाँ पे लिखे जेड, यहाँ पे लिखे एक्स, यहाँ पे लिखे जेड, यहाँ पे लिखे एक्स, हो गया। अब क्या करना है, हमें पहले लिखना है कॉस थीटा, बाद में लिखना है साइन थीटा, फिर लिखना है साइन थीटा, यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा। अब भाई ये उल्टा गया तो इधर डालो माइनस, ये नहीं गया तो डेट इज प्लस, तो ये आपका हो गया सिंपल इक्वेशन रेडी हो गया सेम। चलिए इसके लिए करेंगे जेड के लिए, तो जेड के लिए अगर मैं करूँ तो अब क्या रहेगा भाई, जेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया जेड, जेड के बाद क्या आता है एक्स एंड वाई, तो लिखेंगे एक्स वाई एक्स वाई। आप देख सकते हैं मैं कैसे सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, 1 2 3, 2 3 1, देन अगेन 3 1 2, आप समझ रहे हैं, ये सीरीज का ऑर्डर सिर्फ याद रखिए और आपका काम हो जाएगा। चलिए इन द सिमिलर मैनर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने एक्स वाई डाल दिया है, अब कैसे करना है, यहाँ पे डालिए कॉस, यहाँ पे डालिए साइन, यहाँ पे डालिए साइन, यहाँ पे डालिए कॉस। अब भाई ये हो गया उल्टा तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये हो गया सीधा तो ये आएगा प्लस,
और आपका यहाँ पे जो इक्वेशन का काम था वो कंप्लीट। अभी आपने इसमें क्या सीखा, सिर्फ ट्रिक सीखी और आपका पूरा जो है इक्वेशन सबके लिए का इक्वेशन आपका आ गया। चले तो मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा जगह करके यहाँ पे साइड पे सेट कर दिया है ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स है तो कौन सा टर्म आएगा, ये आएगा, ये नहीं है ये नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं है तो डेट विल बी जीरो। फिर यहाँ पे वाई की जगह हमारे पास यहाँ पे वाई के साथ क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा भाई माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ पे आएगा जीरो, फिर वाई आएगा साइन थीटा और फिर यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। तो ये मैट्रिक्स नोटेशन बहुत सिंपल है, वो भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, इस टर्म के लिए करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। चले फिर से इधर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे एक्सिस हो वहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं कि भाई ये 1 0, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पे नहीं आएगा उसका कंपोनेंट, इसलिए क्या करेंगे हम इस ये जगह पे हम ऑलरेडी जीरो लगा देंगे। तो ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू डालना है लेकिन गलत मत डाल दीजिए। यहाँ पे एक्स का देखिए, एक्स का कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे इसका साइन इधर आएगा, और ये नीचे जो है वो एक्स का माइनस साइन थीटा है तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट क्या है, सेम करना है, यहाँ पे डालूंगा 0 0 1। अब यहाँ पे दोनों साइड पे आएगा 0 0 कन्फर्म। अब यहाँ पे कैसे डालेंगे, सेम ही है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर इसका कोई ट्रिक ना हो तो आप कितने कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई कौन सा इक्वेशन कब लूँ कैसे करूँ, पूरा डिराइव करने तो बैठ नहीं सकते। तो क्या करीजिए कि सिर्फ ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है वो उसी के हिसाब से एक बार फिर से इसको रिवाइंड कीजिए वीडियो को, और ये एक बार मेरे साथ लिख लीजिए। और एक बार अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको वो आ जाएगा, क्योंकि हम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं न्यूमेरिकल, तो उसका हम एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन हो जाएगा तो आपका एक और बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं विथ न्यूमेरिकल। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, इफ ईच वेक्टर एक्स दैट इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, मतलब कि कार्टेशियन का हो गया दो कोऑर्डिनेट है, ओके, इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाई सिक्स, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है पाई बाई सिक्स, देन फाइंड इमेज ऑफ डब्ल्यू दैट इज सॉरी इमेज डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, इमेज डब्ल्यू, ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ एक्स एट 1 1। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसको 1 1 पॉइंट के ऊपर हम फाइंड कर लेंगे। तो आपका सम कंप्लीट। तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें याद है, इक्वेशन हमने 2 के लिए कैसे बनाया था, सेम करना है एक्स वाई एक्स वाई, वही मेथड यूज कर रहा हूँ जो मैंने 3D के लिए यूज की थी। फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे पहले आता है कॉस थीटा, बाद में आता है साइन थीटा, यहाँ पे आता है साइन थीटा, यहाँ पे आता है कॉस थीटा। भाई कौन उल्टा गया, ये उल्टा गया, तो लगाओ माइनस, यहाँ पे सेम है तो लगाओ प्लस। इसके हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगा, अब मैट्रिक्स वेरी सिंपल। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, आप इसे रफ में करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। ऊपर से क्या लिख दीजिए, वी नो दैट डब्ल्यू के टी दिस इज दिस वन, राइट, कि भाई टू हमारा जो आर स्क्वायर के अंदर दिया गया हो तो हमें पता है कि डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू क्या रहेगा। तो इसी के हिसाब से डब्ल्यू क्या रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसी के साथ डब्ल्यू ये हो गया मैट्रिक्स, उसके साथ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या है एक्स कॉमा वाई, तो वो भी आ गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू पुट आउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स रख दूंगा यहाँ पे मैं। सो मुझे मिलेगा कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, साइन ऑफ पाई बाई सिक्स, माइनस साइन ऑफ पाई बाई सिक्स, कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो हमें पता है कॉस पाई बाई सिक्स का वैल्यू क्या रहता है √3/2, साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू क्या रहता है 1/2, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई। अभी इसका आप क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कैसे रहेगा, √3/2x माइनस 1/2y। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम लेके लिख रहा हूँ √3x माइनस वाई बाई टू, इसके बाद यहाँ पे करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस √3,
वाई बाई टू। तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके उसी के साथ क्या फाइंड करना है, फाइंड द इमेज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1,1। मतलब कि एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दो, 1,1। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे पार्टीशन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1,1 देन इमेज डब्ल्यू विल बी नथिंग बट √3 × 1 − 1/2 और यहाँ पे 1 + √3 × 1/2। सिंपल एक्स और वाई की जगह पे क्या लिख दीजिए, 1,1। तो उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज √3 − 1/2 और नीचे आ जाएगा 1 + √3/2। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन आर क्यूब। तो सेम करना है, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द इमेज ऑफ द वेक्टर −2, 1, 2 इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। चलो काम हो गया, एक्स एक्सिस से करना है। तो मैंने जैसे सिखाया W1, W2, W3 लिख दीजिए, लिख दिया हमने। एक्स से करना है तो एक्स एज इट इज, यहाँ पे लिखेंगे हम YZ cos sin sin cos। भाई कौन उल्टा गया, तुम उल्टे गए हो। चलो तो माइनस ले लो, तुम प्लस ले लो। इसके हिसाब से W का हम मैट्रिक्स बना लेंगे। तो दैट विल बी, यहाँ पे ये X 1 आएगा, बाकी दोनों जगह पे 0 0 आएगा, ये दोनों 0 0 आएगा। यहाँ पे आएगा cos थीटा, यहाँ पे आएगा −sin थीटा, यहाँ पे आएगा sin थीटा, यहाँ पे आएगा cos थीटा। और उसके साथ यहाँ पे हमें लिखना होगा X, Y, Z। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे वैल्यूज 1 0 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वेक्टर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, इमेज डायरेक्ट इसी का फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड का भी वैल्यू है और कितने डिग्री पे मूव करना है वो भी दे दिया है, मतलब थीटा का भी वैल्यू दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 cos of 30 sin of 30 लेकिन 0 − sin of 30 एंड कॉस ऑफ 30। एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, दैट इज −2, 1, 2। चलिए तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 × −2 दैट इज नथिंग बट −2। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, मतलब +0 + 0। यहाँ पे करेंगे तो 0 + cos 30, cos 30 का वैल्यू क्या रहता है, दैट इज √3/2 × 1, तो दैट विल बी √3/2 प्लस −sin 30 × 2, तो sin 30 is 1/2 × 2, तो दैट विल बी −1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम −1। फिर आगे बढ़ेंगे तो 0 × 2 दैट विल बी 0, देन sin 30 × 1 दैट विल बी 1/2, तो +1/2, और cos 30 is √3/2 × 2, तो दैट विल बी √3। तो हमें ये मिल गया। आगे सॉल्यूशन लाएंगे दिस विल बी −2, यहाँ पे आएगा √3/2 − 1 और एलसीएम लेके लिख देते हैं तो √3 − 2/2 और यहाँ पे आएगा 1 + 2√3/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल।